नमस्कार, मैं मोहनीश विद्यार्थी। शुरुआत करते हैं हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब्स रिक्वायरमेंट इन इंडस्ट्री के बारे में। जॉब जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, वो एक बल्क अमाउंट में बच्चे निकल रहे हैं, मगर हमारे जो एक्सपर्ट्स जो मांग रहे हैं वो उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऐसा कहा जा रहा है कि सन 2030 तक लगभग 54% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल होंगे और सन 2021 तक लगभग 2,30,000 इंजीनियर्स किसी काम के नहीं रहेंगे। सो इन ऑर्डर टू मेक देम एम्प्लॉयबल, ये इस कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों के लिए लाए हैं मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब मैं शुरुआत करूँगा एक एक करके। डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं। डेटा साइंस में हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करेंगे बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। उस डेटा को हम प्री प्रोसेस कैसे करेंगे, प्री प्रोसेस करने के बाद उसे ट्रेन कैसे करेंगे, जो ये डेटा होगा उस डेटा को हम किस तरीके से बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे और वो उसको फर्दर कैसे लेके जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है रिजल्ट के बारे में। बच्चा उस रिजल्ट को कैसे एक्यूरेट बनाएगा, एक्यूरेट बनाने के लिए हम उस बच्चे को क्या करेंगे कि एक डेटा को किसी कंपनी के 5 से 10 साल की ग्रोथ के लिए हम लोग उसे प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे जिस तरीके से एक बॉस होता है, उस बॉस को अगर 5 साल या 10 साल का डेटा चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, कंपनी ग्रोथ के लिए, सो इन दैट केस वी विल ट्रेन द स्टूडेंट्स दैट दिस इज हाउ यू विल हैव टू वर्क इन डेटा साइंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। जो प्रोसेस डेटा, जो ट्रेन डेटा हमारे पास आया, उसको हम लोग एक एल्गोरिदम में कर देंगे। जैसे ही वो एल्गोरिदम एक्सपर्ट या ट्रेन होने लग जाएगी, वो एक मशीन लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जिस तरीके से हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर जो होते हैं, अगर एक रिंग मास्टर होता है, एक शेर को ट्रेन करने में 1 महीने लेता है, इसी तरीके से वो डॉग को ट्रेन करेगा तो उसको अलग टाइम होगा। सिमिलरली मशीन लर्निंग में भी हम लोग डेटा को ट्रेन करते हैं ताकि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें दे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ट्रेंड डेटा होता है उसको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन सबको इनवाइब करके एक नया डेटा बनाते हैं। जैसे ही हम लोग उस डेटा को आगे इनवाइब करवाते हैं एक रोबोट की तरह, आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजोन इनका नाम सुना होगा। उसके अंदर क्या होता है कि जो बॉट होते हैं या रोबोट जिसको आप बोल सकते हैं, उनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ट्रेन करते हैं। जैसे वो ट्रेंड हो जाते हैं तो जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं उनको एक रेक से दूसरी रेक में लगाने के लिए वो बोर्ड्स काम में लिए जाते हैं। बकायदा दूसरे जो इंजीनियर्स होते हैं या दूसरे जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले होते हैं वहाँ पे ह्यूमन से काम करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं बात करता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जैसे आप गए, आप लोग घर से बाहर आए ऑफिस में, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोग घर की लाइट स्विच ऑन करके भूल गए, तो आप लोग अगर जैसे घर पे आते हैं आप मोबाइल से अपनी घर की लाइट बंद कर सकते हैं या फिर आप ताली बजाएंगे और वहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल होता है आपकी रिस्ट वॉच के बारे में, स्मार्ट वॉच आप लोग यूज़ कर रहे हैं। दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटेजेंशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा जिसको हम बोलेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जब आप सोचते हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हो अपने मोबाइल में, ताकि आप लोग अपनी फाइल, अपनी ऑडियो, वीडियो और डेटा को कहीं दूरस्थ स्थान, रिमोट एरिया पे अपलोड कर सको। तो उसी टेक्नोलॉजी को हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को यूज करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी को आप सभी बच्चों के लिए या आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेके आए हैं। तो प्लीज एंजॉय। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।